Vivo X70 सीरीज रॉकिंग FantaChoice 12 हिंदी लैंग्वेज के लिए टाइमर पे स्किप करो. सो Vivo वॉज कॉलिंग देयर OS एज अ ओरिजिन OS. सो दे हैव सेड दैट FantaChoice दे वॉन्ट यूज, बट दिस इज नॉट द केस. Vivo हैज क्वाइटली अनवील्ड FantaChoice 12. सो इट्स नाउ लाइव इन द Vivo's इंडियन वेबसाइट एंड इट्स ब्रिंगिंग टू द न्यू Vivo फोन्स. द FantaChoice 12 इज द redesigned विजेट सिस्टम एंड tons of न्यू फीचर्स आर हियर. Another feature is the nano music player that is sort of mini player, and currently this is rocking in the Vivo X70 series. If we talk about the extended RAM feature, so it's now available in this FantaChoice 12 where you can extend your RAM up to 4GB. Vivo will launch the X70 series globally in the 22 of September, so we can expect the FantaChoice 12 will be rolled out in the X70 series globally on 22 September, and there we can expect some new features about the FantaChoice 12. Let's see what Vivo does. Please consider subscribing, and now I'm covering the same news in Hindi / Urdu language. A sub to the channel would be appreciated if you like to watch these type of videos. दोस्तों Vivo का जो X70 series है उसके अंदर जो है ना हमें मिला है FantaChoice 12 जो के काफ़ी ज़्यादा जगहों पे टीज होना शुरू हो गया है. Vivo ने पहले कहा था कि वो ओरिजिन OS लाएंगे, FantaChoice को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये केस यहाँ पर नहीं है. Vivo की जो इंडियन वेबसाइट है वहाँ पे FantaChoice 12 का पेज अवेलेबल है. इसका मतलब ये कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा Vivo के फ़ोन्स में आ सकता है. इसके अंदर एक रीडिज़ाइंड विजेट सिस्टम है और उसके बाद एक्सटेंडेड 4GB रैम है. स्पॉटिफाई के बारे में कुछ एक दो न्यू फीचर्स हैं और बाकी चीज़ें आपको पता चलेगी 22 सितंबर को जब Vivo जो है ना X70 सीरीज़ को ग्लोबली लॉन्च करेगा. एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या FantaChoice 12 के फीचर्स हैं. तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.